इंडियन बिजनेसमैन की श्रृंखला में मैं आया हूँ देखिए वतन रेस्टोरेंट जो कि है चाइना के इवू शहर में और यहाँ पे है अजमेर के अमित भाई जी जो कि राजस्थान से है। इनका यहाँ बहुत ही सुप्रसिद्ध ये रेस्टोरेंट है और इनका न केवल एक है बल्कि संख्याओं में अनेकों रेस्टोरेंट यहाँ पे है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से उनका बिजनेस यहाँ चलता है। अरे अमित भाई जी राम राम। बहुत बहुत लॉन्ग टाइम टाइम की बात है। बिल्कुल बिल्कुल लॉन्ग टाइम भाई साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यू अभी आया हूँ सुबह सुबह। थैंक यू भाई जी। में हमने रेस्टोरेंट यहाँ खोले थे। हमारे फादर ने स्टार्ट किया था सब कुछ। उसके बाद धीरे धीरे हम आए और हमने पूरा संभाला। 2007 से हम यहीं पे हैं। यहाँ पहुँच के जो इंडियन खाने का जो स्वाद है ना वास्तव में दोस्तों पूछो नहीं, बहुत ही लाजवाब। अगर आप कभी भी इवू आते हो तो वतन रेस्टोरेंट के लिए जरूर आना, वास्तव में लाजवाब स्वाद है यहाँ का। हमारे दो रेस्टोरेंट है, एक ये वतन है, एक लिटिल इंडिया आगे जो प्योर वेजिटेरियन है जहाँ पे नॉनवेज नहीं खिलाया जाता है। एक और रेस्टोरेंट है जो इधर हमारा ग्लोरी मॉल है वहाँ पे हमारा एक और रेस्टोरेंट है वतन 2.2। उसमें सब कुछ अवेलेबल है, ड्रिंक्स व्रिंक्स और नॉनवेज सब कुछ है। जो इंडिया से स्पेशली जो जैनीज लोग हाँ बिल्कुल खाते हैं वो लिटिल इंडिया में खाते हैं। वो लिटिल इंडिया हाँ जी बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, नो ड्रिंक्स नो स्मोकिंग नो नथिंग। अच्छा ये भी नहीं है? बिल्कुल कुछ भी अलाउड नहीं है वहाँ पे, केवल वेजिटेरियन खाना बनता है वहाँ पे, प्योर वेज। और आपके जो जैसे मैंने अभी खाना खाया तो आपके खाने में एक अलग एकदम जैसे टेस्ट ऐसा है कि अंगुली चाटते रहते। हमारे फादर इस ट्रेड में करीबन 25 साल से है तो उन्होंने ही ये डेवलप कर रखा है कि यही से जाना चाहिए, ऐसा ही जाएगा। तो हमें भी यही आइडिया है कि वैसे ही जाएगा खाना जैसा फादर ने बता रखा है कि ऐसे ही जाना चाहिए। तो हम पूरा वही मेंटेन करके चलते हैं कि कस्टमर को शिकायत नहीं आनी चाहिए हमारे खाने में। बिल्कुल बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। और आपकी जो जर्नी है अजमेर से शुरू होकर राजस्थान के यहां इवू में आप हो, जब से पिताजी ने यहां ये खोला था आपका रेस्टोरेंट हां जी तब से आप इवू में ही हो? बिल्कुल बिल्कुल इवू में ही है सर, इवू में ही है सर। हम फर्स्ट टाइम तो 2004 में आए थे और धीरे धीरे फिर हमने 2007 में 7 से स्टार्ट करते करते अभी तक हमने यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट करे हुए हैं। कैसा लगता है कि बहुत अच्छा सिक्योरिटी है? बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, कोई डर नहीं है, सब कुछ ठीक है। हम रात को लेट नाइट तक यहाँ पे डाइनिंग कराते हैं कस्टमर्स को। ये हमारा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। ये हमारा लिटिल इंडिया प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट यहाँ पे लिखा है। इन अमित भाई जी इवू में आपको प्योर वेजिटेरियन खाना दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने अलग से ब्रांच ही निकाल दी कि प्योर वेजिटेरियन का अलग बिल्कुल ही है। लिटिल इंडिया तो को रहता है कि चम्मच तो वही नहीं 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 बिल्कुल कुछ भी नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। और मैं आपको किचन भी दिखाऊंगा अंदर से किस प्रकार से इनका किचन साफ सुथरा है और यहाँ का जो इंटीरियर है दोस्तों ये तो वास्तव में काबिले तारीफ है। वास्तव में अमित भाई जी बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आपने हर तरीके से इसको बेहतरीन बनाया है, ऊपर की लाइटिंग्स है और ये सब चीज़ें, बैठने की कितनी साफ सुथरी चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इस तरह की इनका किचन है, यहाँ पे इनका फ्रंट डेस्क है और ये इनके भाई जी हैं, बड़े भाई हमारे बड़े भाई रामा भाई जी। ये भाई साहब हैं जो यहाँ पे लिटिल इंडिया को देखते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी स्टाफ है सबको कैप और मास्क और ग्लव्स पहना के काम करवाते हैं, पूरा वेजिटेरियन है यहाँ पे। इवन ड्रिंक्स भी अलाउड नहीं है, केवल प्योर वेज है जो जैन खाना है। और हमारे यहाँ पे पूरा पतंजलि घी का ही काम होता है, पूरा घी से ही खाना बनता है, पूरा टेस्ट घी से ही डेवलप होता है। हमारा लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट है जो मैकलैंड होटल के बिल्कुल पास में है और बायलैंड होटल के बिल्कुल पास में है। जो ये बायलैंड होटल है इसका भी करीबन कुछ टैरिफ होता है 250 से 300 आरएमबी तक का, इसका भी कुछ 225 तक का टैरिफ है। काफ़ी कस्टमर जो इंडिया से आते हैं उनको कंफर्टेबल हो जाता है, यहीं रुकते हैं यहीं खाते हैं, मार्केट भी पास में है और मार्केट का काम करते हैं, दिन में 3 टाइम वो लोग हमारे पास आके इन्जॉय करते हैं अपना खाना और प्योर वेज खाना हम सप्लाई करते हैं उनके लिए। हमने यहाँ पे कोशिश करके चाइनीज़ कस्टमर का भी डेवलप कर दिया फूड टेस्ट। हमारे यहाँ पे नॉर्मली फ्राइडे टू संडे हमारे पास लगभग 170% चाइनीज कस्टमर खाना खाता है। आप यहाँ इतने सालों से रहे हो, लगभग 19-20 साल होने को आए, बिल्कुल, तो यहाँ रहने का आपका क्या अनुभव रहा है? सर मेरा ये अनुभव रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। इवन मैं यहाँ पे 20 साल से यहीं हूँ और मुझे कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई है यहाँ रहने में।
और इवन मैं कोविड टाइम पे भी इधर ही था। अच्छा, कोविड के टाइम भी आप यहां? मैं यहीं था बिल्कुल, और मैंने बाय गॉड ग्रेस मेरे पास चाइनीज कस्टमर्स थे और मैंने बहुत अच्छा काम किया और हमेशा मेरा रेस्टोरेंट ओपन ही रहा और मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे कई लोग आते हैं वो आपकी लोकेशन कैसे सर्च करेंगे? वो लोकेशन हमारी गूगल पे और वीचैट पे इवन व्हाट्सएप पे भी आ जाती है, और केवल आपको गूगल मैप पे वतन लिखना है तो वतन इंडियन रेस्टोरेंट से आपको आराम से लोकेशन मिल जाएगी। ओके, केवल वतन नाम लिखना? हाँ बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो अगर जैसे कोई वेजिटेरियन आदमी हो, हाँ वो वतन में आता है, हाँ, और उसको वेजिटेरियन खाना हो तो आप उसको गाइड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कि हमारा लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट है, आप वहाँ बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो जो बिल्कुल पास में काफी कस्टमर आते हैं जो जैन होते हैं जिनको प्याज लहसुन भी नहीं चलता है, तो हम उनको बिल्कुल लिटिल इंडिया प्रेफरेंस देते हैं कि वहाँ जाइए, वहाँ खाइए, वहाँ पे बिल्कुल प्योर जैन खाना मिलेगा आपको। हाँ जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही एक यूनिक चीज है आपके यहाँ लोगों के लिए, यहाँ बिल्कुल उनको उनके बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी का, थैंक यू सर, से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मैं आपको इंडियन बिजनेसमैन के स्पेशल वीडियोस इस सीरीज में दिखाता रहूंगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।